रणबीर कपूर बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार हो सकता है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी इस बारे में काफी ज्यादा हाइप चल रही है। और ऐसे ही नहीं, रणबीर कपूर को लेकर कितना बस क्रिएट हो रहा है उसका मेन रीजन है उनके 4 से 5 साल की मूवीज का लाइनअप। अभी जो हम रणबीर कपूर की इतनी हाइप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि उनको फर्स्ट टाइम मिली है। एक्चुअली हाइप रणबीर को कुछ सालों पहले भी मिली थी, बट उस टाइम इस हाइप को इतना अच्छे तरीके से उन्होंने यूज नहीं किया था जितना अच्छे तरीके से इस बार यूज किया है। और इस बार की हाइप जो है वो काफी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पास्ट में इतनी अच्छी मूवीज नहीं करी, उन्होंने पास्ट में भी काफी अच्छी मूवीज करी हैं, जैसे कि रॉकस्टार, बर्फी, और जो रॉकस्टार है वो उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से आती है। जो हाइप रॉकस्टार ने क्रिएट करी थी उससे डबल ट्रिपल टाइम एनिमल ने क्रिएट कर दी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे रणबीर के करियर के बारे में कि ऐसा क्या किया रणबीर ने जो उनकी नेक्स्ट फिल्म की लाइनअप इतनी कमाल की है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो रणबीर कपूर ने डेब्यू किया था 2007 में आई सांवरिया फिल्म से, और जिसमें एक बड़ा ही फेमस सीन था टॉल वाला जो कि उनकी फीमेल फैंस के लिए काफी था, और फिर आई एनिमल जिसमें टॉल भी गायब हो गया। You naughty, are you? और अगर आपको नहीं पता कि मैं रणबीर कपूर से तब मिला था जब रणबीर कपूर को कोई नहीं जानता था, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही होगी, जाकर देख लेते। लेकिन इस वीडियो के बाद कभी निकल लो इस वीडियो से पहले। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। जब सांवरिया फिल्म आई तो लोगों के मिक्स रिएक्शन थे कि इतनी अच्छी मूवी नहीं है, बेसिकली स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्पेशली रणबीर कपूर की एक्टिंग और रणबीर कपूर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि उनको चॉकलेटी बॉय का टैग भी मिल गया था। और उसके बाद आती है वेकअप सिड, बचना है हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, रॉकेट सिंह एंड अनजाना है अनजानी, और ये सब आई थी 2010 तक, जिनमें से कुछ मूवीज अच्छी चली जैसे कि वेकअप सिड, अनजाना है अनजानी, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति। रणबीर ने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही एक्सपेरिमेंट किए हैं, नहीं तो कुछ ऐसे भी एक्टर है जो एक्शन मूवीज करे जा रहे हैं और उसमें भी मुंह खा रहे हैं। तो रणबीर कपूर ने अपने करियर के स्टार्टिंग के 3 साल में करी है 3 रोमांटिक मूवी, 2 कॉमेडी मूवी और 1 पॉलिटिकल ड्रामा। और 2011 में आती है रणबीर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज रॉकस्टार, और जो उन्होंने एक्टिंग करी इस मूवी के अंदर वो कमाल था। मेरे हिसाब से जो जेजे का कैरेक्टर था कोई और निभा ही नहीं सकता था रणबीर के अलावा। जिस तरीके का पागलपन, गुस्सा और डिप्रेशन चाहिए था वो सब काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है रणबीर कपूर ने उस मूवी के अंदर। मुझे नहीं पता मैंने रॉकस्टार मूवी आज तक कितनी बार देखी है, और अभी भी अगर मैं रॉकस्टार के गाने सुन लूँ या मैं रॉकस्टार मूवी देख लूँ तो मैं पूरी देख करके ही उठूँगा। जो रणबीर का गोल्डन पीरियड अभी चल रहा है वो रॉकस्टार के बाद भी आना चाहिए था। क्या पता ये गोल्डन टाइम उस टाइम पे आया हो और रणबीर ने उसको इतने अच्छे तरीके से ग्रैब ना किया हो, क्योंकि रणबीर के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। रॉकस्टार के बाद आई बर्फी और ये जवानी है दीवानी मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये मूवी, स्पेशली बर्फी। उसके अंदर भी रणबीर कपूर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी थी। लेकिन उसके बाद आती है बेशरम, रोए, जग्गा जासूस, बॉम्बे वेलवेट, ए दिल है मुश्किल और तमाशा जैसी मूवीज, जिसमें से सिर्फ 2 मूवीज हैं जो ठीक ठाक चली थी, ए दिल है मुश्किल और तमाशा। ये दोनों मूवीज भी एवरेज के अंदर ही आती हैं, बाकी सारी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप गई हैं, जिसमें से बॉम्बे वेलवेट को तो उठा करके डस्टबिन में डाल देना ही चाहिए। बैक टू बैक मूवी फ्लॉप देने के बाद एक आती है ऐसी मूवी जिससे वापस से रणबीर ने अपनी एक्टिंग को प्रूव किया, और वो मूवी है संजू, जो कि है संजय दत्त की बायोपिक, और यह मूवी आई थी 2018 में। उसके बाद रणबीर कपूर ने थोड़ा सा मूवी से दूरी बना ली और 4 साल के बाद कमबैक किया शमशेरा और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज के साथ, जिसमें से शमशेरा जो है फ्लॉप हो गई थी और ब्रह्मास्त्र को लेकर के लोगों के मिक्स रिएक्शन है। बट 2023 में रणबीर कपूर ने ऐसा कमबैक मारा कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। 2023 में आई तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल, और एनिमल ने रणबीर कपूर की पूरी लाइफ चेंज कर दी। रॉकस्टार और एनिमल ऐसी मूवीज है जिसको हर कोई एक्टर प्ले नहीं कर सकता, और एनिमल मूवी के बाद रणबीर कपूर को जो हाइप मिली है और उसका इतने अच्छे तरीके से जो यूज किया है वो उनकी अपकमिंग मूवीज की लाइनअप बता रही है, जो कि है लव एंड वॉर, रामायण, धूम 4 एंड एनिमल पार्क, और ब्रह्मास्त्र 2 भी एड हो सकती है इसके अंदर।
रॉकस्टार के बाद रणवीर ने मूवी सिलेक्शन सही नहीं किया था, लेकिन इस बार उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो गलती लास्ट टाइम हो गई थी वो इस बार नहीं करनी है। तो रणवीर की अपकमिंग मूवीज के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली धूम 4, रामायण और एनिमल पार्क को लेकर के। आप लोग बताओ, आप लोग कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बता देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।